देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर की आवाज। हम तो फांसी लगाएं, पेड़ पे रखते हुए लगा के फंदा डाल के फांसी लगाएंगे। मुझे कंगाल कर दिया ऐसा मुख्यमंत्री आया तो स्टेट में। हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। राजधानी भोपाल सहित आसपास के समस्त डंफर मालिक रायसेन, होशंगाबाद और सीहोर के रेत खदान ठेकेदारों द्वारा की जा रही मनमानी के चलते परेशान हैं। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल सहित आसपास के क्षेत्रों में रायसेन, सीहोर सहित होशंगाबाद की रेत खदानों से रेत का परिवहन किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इन रेत की खदानों के ठेकेदारों द्वारा की जा रही मनमानी के चलते रेत परिवहनकर्ता परेशान है। क्षेत्र के 100 से ज़्यादा डंफर चालकों ने प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि उक्त खदानों के ठेकेदारों द्वारा पैसा लेने के बाद भी पूरी रॉयल्टी नहीं देते हैं। वहीं रॉयल्टी के पैसे पूरी तरह से नकद ली जाती है, ऑनलाइन भुगतान करने पर ठेकेदार पैसे नहीं देते हैं। वाहन चालकों का आरोप है कि जितने रेत वाहनों में दी जा रही है उतने घन मीटर की रॉयल्टी नहीं दी जा रही है, उससे उक्त वाहन प्रशासन की दृष्टि में अवैध सिद्ध हो रहे हैं। साथ ही उनको जब्त कर उन पर कार्रवाई करने हैं तो भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक होशंगाबाद जिले के रेत खदानों का पिछला ठेका लगभग 270 करोड़ था। तब ठेकेदार प्रति घन मीटर 718 रुपये रॉयल्टी लेता था, लेकिन अब ठेका लगभग 165 करोड़ का हुआ है। तब ठेकेदार 1780 प्रति घन मीटर रॉयल्टी ले रहा है, जो कि शासकीय मूल्य से बहुत ज़्यादा है। ठेकेदार की इस मनमानी के चलते 200 से अधिक डंपर चालकों ने अपने वाहन खड़े कर दिए हैं। डंपर मालिक कई दिनों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने का इंतजार और प्रयास कर रहे हैं, परंतु मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर सभी रेत परिवहनकर्ताओं को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इस पे परिचय यह है कि इसमें सब जो मोटर मालिक जो एकत्रित हुए हैं, हम लोग जो मनमानी जो चल रही है ठेकेदार प्रशासन की, कि जो गाड़ियां हम लेके आ रहे हैं होशंगाबाद से, जो ट्रांसपोर्टिंग हम कर रहे हैं उस पे जो रॉयल्टी काट के दे रहा 16 घन मीटर की ठेकेदार, और प्रशासन उसको पकड़ कर गाड़ी को खड़ी कर रहा, ओवरलोड पे जुर्माना बना रहा। उसके बाद हम लोग जो ट्रांसपोर्टिंग करते हैं ठेकेदार हमारी सुनता नहीं है किसी प्रकार से। अगर हम बोलते हैं तो वो बोलता है कि भाई ठीक है, जो भी आपका बनेगा तो वो ओवरलोड का जुर्माना हम लोग भरेंगे। वो भर नहीं रहा, कुछ लोगों को बताता है, वो कुछ बातें ऐसी कर देता है कि जो बीच के जो लोग हैं उनके पास, तो जो ठेकेदार के पास हम लोग जो सब जितने मोटर मालिक जो परेशान है, जो आज यहाँ खड़े हुए वो सब लोग इसलिए खड़े हैं कि जो कुछ लोग पुराने जो लोग हैं कि हम लोगों को ना ठेकेदार को अवगत करा पा रहा है कि हम लोग क्या करना चाहिए, ना ठेकेदार हमें बता पा रहा है कि हम लोगों को मोटर किस तरीके से चलानी चाहिए और हम लोग मोटर किस तरीके से चलाएं और कैसे हम इस व्यापार को आगे बढ़ाएं। और अब जो बढ़ा रहे हैं, जो चल रही है, तो गाड़ियां ला रहे हैं, डेली गाड़ियां हम लोगों की पकड़ा रही हैं। तो अब आपने क्या निर्णय लिया? अब निर्णय ये लिया कि अगर हम माननीय मोहन यादव जी सीएम साहब से मिलना चाह रहे हैं कि विषय पे हमने सब कलेक्टर को होशंगाबाद भोपाल सब जगह आवेदन दिए हुए हैं, तो अभी तक कोई हमें रिप्लाई नहीं आया। और अब हम चाहते हैं कि सीएम साहब से मिलने का हमें समय मिले, कि अब किसी माध्यम से सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। कितने दिन हो गए आपको इस परेशानी? करीबन इस परेशानी से हम लोग 1 से 1.5 महीने से जूझ रहे हैं। समस्या ये है कि हम लोग पूरा लीगल तरीके से पूरा पैसा पेड करके गाड़ियां भर के लिए आते हैं, उसके बाद प्रशासन हमारी गाड़ियां पकड़ रहा है। तो हम प्रशासन से इतना चाह रहे हैं कि हमको बता दो कि कैसे काम करना है। प्रशासन वहां ज्यादा माल भी दिलवा रहा है ठेकेदार से और गाड़ी भी पकड़ रहा है, ये ढूंढ रहा है कब तक चलेगा हमारी गाड़ी। एक महीने सरकार बदलने से कहीं नहीं आपका नुकसान हो रहा है। सरकार बदली तो नहीं है, सीएम जरूर बदले हैं, पहले परेशानी नहीं थी वास्तव में, चाहे जो जैसी व्यवस्था चलती हो। शिवराज जी के जाने से परेशानी बढ़ी है, शिवराज जी के जाने से जैसे भी कहिए परेशानी अभी तो हो रही है, खड़ी है जहाँ देखे इधर 11 मील के आसपास कम से 250-300 गाड़ियां खड़ी है, सब स्टाफ बैठे हैं, ये देखो सब लोग बैठे हैं, 5 लोगों का पेट फलता है। और गाड़ियां खड़ी अभी 250 गाड़ियां खड़ी हैं। और मैं यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। देखा 2 महीने से हमने बहुत सारी जगह आवेदन दिया, जैसे होशंगाबाद कलेक्टर हो गया अपना, रायसेन कलेक्टर, भोपाल कलेक्टर, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी अपना एक आवेदन दिया हुआ है, जिसकी हमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हमें वहां से आश्वस्त कराया गया था कि सर आपको कॉल करके बुलाया जाएगा और आपकी जो भी समस्या उनका कुछ ना कुछ निराकरण दिया जाएगा। और हमने उस समय ये मांग रखी थी कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाए, जिसका आज तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। हम सर इस स्थिति पर आ गए हैं कि हमारी गाड़ियां विगत 5 दिनों से खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि अस्पेरे गाड़ियां खड़ी हुई है, यहाँ से लेकर मंडी दीप होशंगाबाद
पूरे रायसेन जिले की भी गाड़ियां खड़ी हुई है। हमारी गाड़ियों से 8 से 10 परिवार चलते हैं, पंचर वाला, कमानी वाला, मैकेनिक, पार्ट्स वाले, टायर वाले, सभी का व्यापार जुड़ा हुआ है। चैन है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ड्राइवर खड़े हैं, 5 दिन से भूखे प्यासे यहीं पे खड़े हुए हैं। बताइए, अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मैंने पैसा कहाँ से दूंगा? हमने जो गाड़ियाँ ली है बैंक से फाइनेंस करवा के लिए, जिसकी हमें किस्त भी देना पड़ता है ना, आज की स्थिति में हम ना किस्त भर पा रहे हैं ना अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। बच्चों की फीस भरना है, परिवार चलाना है, इस स्थिति पे आके खड़े हो गए हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुन पा रहा है। आप हमारी आवाज़ में भी देख सकते हैं सर, अंदर से दर्द महसूस हो रहा है। हम बोल नहीं पा रहे हैं कि अपने शब्दों को कैसे व्यक्त करें। और लगातार 2 महीने हो गए सर सभी के पास जाते हुए, आज तक कहीं से कोई जवाब नहीं आ पाया। पूरा का पूरा प्रशासन एक दूसरे से मिला हुआ है। हमारी तो सिर्फ अभी एक ही मांग है कि हम आदरणीय अपने CM साहब से मिलना चाहेंगे और हमारी जो भी परेशानी है हम उन्हें अपनी 1-to-1 बताना चाहेंगे। सर होता क्या है कि पूरा करप्शन है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम आवेदन दे रहे हैं, हमारे आवेदन पे कोई हमें जवाब नहीं दिया जा रहा है। हमने सारी जगह आवेदन दे दिया, आज तक हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिला है।